हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पर जिस वीडियो में आपको 15 ऐसे स्कूटर्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि जनवरी 2023 में सबसे ज़्यादा बेची गई हैं, जिससे कि हो सकता है कि अभी सेलिंग्स के बेस पर कोई स्कूटर खरीदने की सोच रहे हो पेट्रोल सेगमेंट में, ऐसे में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। और यहाँ पर मैं हर महीने 10 स्कूटर्स के बारे में बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं 15 को शामिल किया हूँ, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा ऑप्शन मिल सके स्कूटर परचेस करने का। तो चलिए सारी बातें आपको डिटेल बताते हैं, कितने यूनिट, कौन से स्कूटर्स किस कंपनी के बेचे गए हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपसे अपडेट मिस ना हो। तो यहाँ पर इस लिस्ट में जो 15th नंबर पे है, वेस्पा स्कूटर्स है, जो कि 2086 यानी कि 2086 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है। इस लिस्ट में 14th नंबर पे होंडा कंपनी की ग्राजिया है, जो कि टोटल जनवरी 2023 में 1490 यानी कि 1490 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है, और ये 125 सीसी में आती है स्कूटर। तो इस लिस्ट में जो 13th नंबर पे है, हीरो कंपनी की मेस्ट्रो है, जिसके जनवरी 2023 में टोटल 3008 यानी 3008 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है। लिस्ट में जो 12th नंबर पे है, यामाहा कंपनी की फसिनो है, और 125 सीसी में ये भी आती है, और इसके जनवरी 2023 में टोटल 4042 यानी 4042 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है। इस लिस्ट में जो 11th नंबर पे है, वो स्कूटी पे प्लस है, जो कि टीवीएस कंपनी की आती है, और ये काफ़ी कम सीसी के साथ आती है, खासकर गर्ल्स चलाना पसंद करती हैं, क्योंकि छोटे साइज और हल्की मिल जाती है, जिसके जनवरी 2023 में टोटल 4581 यानी कि 4581 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है। इस लिस्ट में जो 10th नंबर पे टीवीएस कंपनी की जेस्ट है, ये भी 110 सीसी में आती है, और इसके जनवरी 2023 में टोटल 4758 यानी कि 4758 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है। इस लिस्ट में जो 9th नंबर पे यामाहा कंपनी की रेजेडार है, 125 सीसी में ये भी आती है, कुछ टाइम पहले अभी लेटेस्ट नए वेरिएंट के साथ लॉन्च भी हुई थी, और इसमें जनवरी 2023 में टोटल 5141 यानी कि 5141 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है। इस लिस्ट में जो 8th नंबर पे है, ये सुजुकी कंपनी की अवेनिस है, 125 सीसी में ये भी आती है, और इसके जनवरी 2023 में टोटल 7990 यानी कि 7990 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इस लिस्ट में जो 7th नंबर पे है, हीरो कंपनी की डेस्टिनी है, ये भी 125 सीसी में आती है, और इसके जनवरी 2023 में टोटल 10975 यानी कि 10975 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है। इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 6th नंबर पे जो है सुजुकी कंपनी की बर्गमन है, जो कि ये भी 125 सीसी में मैक्सी स्कूटर है, और इसके जनवरी 2023 में टोटल 12504 यानी कि 12504 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है। इस लिस्ट में जो 5th नंबर पे है, ये स्कूटर आपकी भी पसंद हो सकती है, 110 सीसी में आती है, जो कि होंडा कंपनी की डीओ है, और इसके जनवरी 2023 में टोटल 18752 यानी कि 18752 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है। इस लिस्ट में जो 4th नंबर पे है, ये भी एक 125 सीसी की स्कूटर है, जो कि टीवीएस कंपनी की एंटॉर्क है, और इसके जनवरी 2023 में टोटल 24362 यानी कि 24362 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है। इस लिस्ट में जो 3rd नंबर पे है, ये भी 125 सीसी में आती है, जो कि सुजुकी कंपनी की एक्सेस है, और इसके जनवरी 2023 में टोटल 45497 यानी कि 45497 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है। तो इस लिस्ट में जो 2nd नंबर पे है, वो टीवीएस कंपनी की आने वाली टीवीएस जुपिटर है, जिसमें 110 से लेकर 125 सीसी में स्कूटर्स काफ़ी सारे अलग अलग वेरिएंट के साथ मिल जाती हैं, और इसके जनवरी 2023 में टोटल 54484 यानी कि 54484 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है। तो इस लिस्ट में जो पहले नंबर पे है, आप सभी ने गेस कर लिया हुआ, ऑल टाइम पहले नंबर पर रहने वाली होंडा कंपनी की एक्टिवा है, जिसमें 110 से लेकर 125 सीसी सेगमेंट में आपको स्कूटर देखने को मिल जाती है, कुछ टाइम पहले एच स्मार्ट के साथ लॉन्च भी हुई थी, और इसके जनवरी 2023 में टोटल 130001 यानी कि 130001 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है। तो ये आपको 15 ऐसे स्कूटर्स मिल जाते हैं जो कि जनवरी 2023 में सबसे ज्यादा बेची गई हैं, या फिर कह सकते हैं खरीदी गई हैं। और ये वीडियो इस महीने आने थोड़ी सी लेट इसलिए हो गई, क्योंकि मैं हर महीने 10 आपको स्कूटर्स के बारे में बताता था, लेकिन इस महीने 15 बताने थे, इसलिए मैं आपको ये वीडियो थोड़े से लेट से दे रहा हूँ, लेकिन आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाती है। तो एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इनमें से कौन सा स्कूटर आपने परचेस किया है, या फिर आप यूज़ करते हैं, या फिर ये सोच रहे हैं कि आपको ये खरीदना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।